हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल दैट्स टर्बो क्रेज। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं मारुति सुजुकी की इको का, जो कि एक ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड कार है। वीडियो में बने रहे। अगर हम इस गाड़ी की बात करते हैं तो करीबन 10,000 किलोमीटर चली हुई है, 9,145 किलोमीटर। ये ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड कार हैं। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, ज़रूर उसके साथ रابطہ करें। स्पीडोमीटर बेसिक्स हैं, जो इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड है वो 180 किलोमीटर्स की हैं, और बाकी इस साइड में आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलेगा। अभी इस गाड़ी में कम ही फ्यूल है। यहाँ पर ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है, अगर हम माइलेज की बात करते हैं, क्योंकि माइलेज एक मेन पॉइंट है जब हम गाड़ी खरीदते हैं, चाहे सेकंड हैंड हो नई हो, तो करीबन 17 किलोमीटर पर लीटर ये गाड़ी आपको माइलेज निकाल के दे देगी। ये गाड़ी में कुछ खास फीचर्स नहीं है। अगर हम स्टेयरिंग की बात करते हैं, स्टेयरिंग कवर ज़रूर लगा हुआ है, ग्रिप इस स्टेयरिंग की अच्छी है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे, कोई ऑडियो माउंट कंट्रोल्स नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बीच में सुजुकी का लोगो ज़रूर है। यहाँ पर एसी ज़रूर लगा हुआ है और एक म्यूज़िक सिस्टम भी लगा हुआ है। बाकी जो यहाँ पे डोर पैड्स हैं, यहाँ आपको मैन्युअली ये एडजस्ट करना पड़ेगा। जो विंडो है उसको मैन्युअली अप डाउन करना पड़ेगा। जो बाहर ORVMs उनको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। हाथ को आपने बाहर जो है विंडो से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये ट्रेडिशनल टाइप में नॉब्स दिए हुए हैं। अगर हम इसके ग्लो बॉक्स की बात करते हैं तो ये इसका साइज है, उतना बड़ा भी नहीं है, उतना छोटा भी नहीं है। अगर हम पैनल गैप्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो पैनल गैप्स यहाँ से कंसिस्टेंट है। इस गाड़ी में हमें 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और एक रिवर्स गियर मिलता है। यहाँ पर हैंड ब्रेक, ये भी न्यूट्रल में है। गियर को हमने फर्स्ट गियर में डाला, कोई दिक्कत देने वाली बात है नहीं। जो गियर यूनिट है वो स्लीक है। यहाँ पर कुछ स्टोरेज स्पेस आपको जरूर मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे कोई बटन्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको ट्रेडिशनल तरीके में ही विंडोज को अप एंड डाउन करना पड़ेगा। अगर हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना नॉइज आता है, तो इस गाड़ी में जरूर थोड़ा बहुत नॉइज अंदर आता है। ऑल दो ये 4-सिलेंडर इंजन है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी के अंदर जो है वो नॉइज आता है। यहाँ पर ये नॉब दिया है, यहाँ से आप सीट को आगे पीछे जरूर कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। अगर हम बाहरी लुक की बात करते हैं तो एक अच्छा लुक ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर कुछ स्टिकर्स लगाए हुए हैं, यहाँ पर कुछ क्रोम लगाया हुआ है डोर हैंडल्स पे, यहाँ भी क्रोम लगाया। अगर हम इसको ओपन करने की बात, एक टिपिकल स्टाइल में यहाँ पर इसका जो डोर है वो ओपन होता है। करते हैं तो अगर हम इसके टेल लाइट्स की बात करते हो, यहाँ पर रिवर्स लाइट्स, यहाँ पर इंडिकेटर्स, यहाँ पर हम ब्रेक लाइट्स, एक अच्छा लुक प्रोवाइड करती हैं पीछे से भी ये गाड़ी। अगर हम टायर्स की बात करते हो तो 13 इंच के हमें इसमें टायर्स मिलते हैं। यहाँ पर व्हील कैप्स भी लगाए हुए हैं, जिसे जो लुक है वो और इनहेंस हो गया है। साइड का लुक काफ़ी अच्छा है। यहाँ से जो ये दिया हुआ है
यहाँ से जो डोर ओपन होता है तो ये उसके लिए कुछ स्लॉट बना हुआ है। एक उठी हुई गाड़ी जरूर लगती है साइड से भी अगर देखेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है इस गाड़ी का। ऑल राउंड विजिबिलिटी भी इस गाड़ी में अच्छी है। बम्पर में हमें जरूर दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ये जो है एग्जॉस्ट हैं। अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक है इस गाड़ी का। जो हेडलैम्प्स हैं वो बोल्ड हैं। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर ये हेलोजन में दिया हुआ है। यहाँ पर ज़रूर कुछ क्रोम की स्ट्रिप लगाई हुई है जिससे लुक और अच्छा हो गया है। ये जो ग्रिल है यहाँ पर दो हॉरिजेंटल लाइन्स दिए हुए हैं, बीच में सुजुकी का लोगो। ब्लैक आउट बम्पर हैं, ग्रे कलर की गाड़ी है तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये अच्छा लग रहा है। पर इंडिकेटर ज़रूर दिया हुआ और यहाँ पर क्रोम की टचिंग भी की हुई है। यहाँ पर दो वाइपर्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे यहाँ पर, या आप देख सकते हो ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड कार।